मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में एनएसयूआई के प्रदर्शनकारियों ने किया सांकेतिक रूप से फांसी लगाने का प्रयास। पुलिस ने झूमा झटके के बीच प्रदर्शनकारियों को रोका। नाराज एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने दी गिरफ्तारी। पुलिस ने 10 प्रदर्शनकारियों को किया गिरफ्तार। साथ ही प्रदेश सचिव सचिन भदौरिया ने की विरोध प्रदर्शन की अगुवाही और पड़ाव क्षेत्र के फुलबाग चौराहे पर यह पूरा मामला हुआ। देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी, महंगाई में पेट्रोल को डीजल को लेके आज एनएसयूआई ने यहाँ पे कार्यक्रम किया है। देश में जिस हिसाब से कोरोना काल आया है, उसी कोरोना काल में पेट्रोल व डीजल के दाम जितने तेजी रफ्तार से बढ़ाए जा रहे हैं, उसी को लेके आज यहाँ एनएसयूआई छात्र संगठन ने फांसी लगा के बेरोजगारी का विरोध किया है। गिरफ्तारी भी दी है, 10 लोगों ने गिरफ्तारी दी है। आपको पुलिस फांसी नहीं लगाने दे रही है। थाना पड़ाव क्षेत्र में फूलबाग पर एनएसयूआई के कार्यकर्ता सचिन भदौरिया द्वारा महंगाई के विरोध में एक कार्यक्रम किया गया था, जिसमें उनके द्वारा महंगाई और बेरोजगारी को के मुद्दे को लेकर अपनी गिरफ्तारी दी। कितने कार्यकर्ता थे, क्या किया था? 10-15 कार्यकर्ता था, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी देकर थाना पड़ाव पहुँचा दिया। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट।